स्टार्ट। आज एमआईएम पार्टी प्रेसिडेंट जनाब नकीबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर रियासत तेलंगाना के एमयूडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमयूडी इंचार्ज एमआरडीसीएल लिमिटेड के जो जिम्मेदार है जनाब दाना किशोर साहब से मुलाकात की गई। एमआईएम पार्टी के 4 एमएलए मिलकर जिसके अंदर मलकपेट एमएलए जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब, जनाब मीर जुल्फिकार साहब चार मीनार एमएलए, जनाब मोहम्मद मुबीन साहब एमएलए बहादुरपुरा और हमारे इलाके के चंद लोग, उनसे मिलकर तफसीलात बताई गई और हम लोग मिलकर लेटर्स भी दिए दाना किशोर साहब को, जिसके अंदर 2003 के दरमियान में उस वक्त के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब थे, उस वक्त बाउंड्री फिक्स की गई थी। आज वो जो बाउंड्री की गई थी 2003 के दरमियान में, वो हैदराबाद के तेलंगाना के हाई कोर्ट के सामने मूसी के अंदर आज भी वो बाउंड्री है और स्टोनिंग भी है वहां पर। उसी तरीके से जहां जहां पर भी मूसी का जो बॉर्डर है कॉन्स्टिट्यूंसी के, उन जगह पर स्टोनिंग और रिटर्निंग वाल है, इन तमाम चीजें। और उस वक्त के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के या अदर डिपार्टमेंट के जो सर्वे कर रहे थे, उनके पास भी कुछ डॉक्यूमेंट जो प्लान थे, आज जनाब दाना किशोर साहब को दिया गया और खुले लफ्जों में बताया गया कि 2003 के हिसाब से रीसर्वे कराने की जरूरत है। अगर रीसर्वे होगा तो मैं समझता हूं जो आज नया जो बाउंड्री फिक्स की गई थी उसके वो हिसाब से काफी नुकसान हो रहा, और 2003 के हिसाब से करेंगे तो मैं समझता हूं इंशाल्लाह गरीबों का काफी कम नुकसान होगा। और यही हमारा मुतालिबा है। हम अभी दाना किशोर साहब से मुलाकात कर उनको तमाम तफसीलात दिए गए और उनको तमाम एमएलए मिलकर लेटर्स भी दिए गए। मैं आपके जरिए हुकूमत से यही बताना चाह रहा हूं कि हमारी पार्टी खिलाफ में नहीं है और ये 2003 के हिसाब से सर्वे कराने की जरूरत है, और 2003 के हिसाब से सर्वे कराएंगे तो मैं समझता हूं जो गरीब आवाम है, जो परेशान है पिछले 5-7 दिन से, उनकी परेशानी भी दूर होगी, वो एक राहत की नींद सोएंगे। मैं खास तौर से जो मेरा हलका है कारवान, वो इब्राहिम बाग नारसिंगी उस्मान सागर के बॉर्डर से स्टार्ट होता है, पुराना पुल तक आता है, वो जहां पर भी, मैं कल भी कलेक्टर साहब से मुलाकात कर आरडीओ हैदराबाद से मुलाकात कर हमारे एमएलए के साथ में मिलकर हम तमाम मिलकर उनको तफसीलात बताए थे, मगर आज हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तेलंगाना के एमयूडी के है और इंचार्ज एमआरडीसीएल के जो है दाना किशोर साहब से तमाम तफसीलात, हमारे अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब तफसीलात बताए और मुईर जुल्फिकार साहब भी बताए, हमारे मुबीन साहब भी एमएलए बहादुरपुरा भी बताए, उनको तमाम तफसीलात बताने के बाद वो तयखुन दिए कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिसर्वे कराने का तयखुन दिया गया। मेरा हम तमाम का मुतालबा यही है। मैं आपके जरिए इस मीडिया के जरिए आवाम से यही बताना चाहते हैं कि आपके साथ में, आवाम के साथ में, हमारी पार्टी एमआईएम पार्टी आवाम के साथ में, यही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया।